सो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं निकलूंगा इस आप लोगों को दिखाने के लिए वेज फूड और नॉनवेज का। तो मैं कंटिन्यू बना ही रहा हूँ, कभी बिरयानी, कभी चिकन फ्राइड राइस, कभी चिकन चिली, सब दिखाई रहा हूँ। आप लोग कमेंट भी आते हैं कि भैया हमें कुछ वेज का भी दिखाओ, नॉनवेज ज़्यादा दिखा रहे हो। तो आज आप लोग को बढ़िया सा एक वेज का फूड दिखाएंगे। और हाँ, व्लॉग के शुरुआती में एक बात मेंशन कर दूँ भाई साहब, वो है यहाँ की धूप। यहाँ की धूप बोले तो छत्तीसगढ़ की धूप, ये जो धूप है ना भाई साहब, अपने चरम सीमा पे है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी को इतने धूप में कहीं जाना चाहिए, बट मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही है व्लॉग बनाना, आप लोगों को नए नए लोकेशन बताना, नई नई चीज़ें दिखाना, इसलिए बस जा रहा हूँ। अदरवाइज मेरा भी मन अंदर से था नहीं इतने धूप में निकलने का, बट निकल गए आप लोगों के लिए। तो वीडियो भाई साहब लाइक कर देना। चलो बाकी की बातें लोकेशन में जाके करते हैं। तो भाई साहब, आप लोगों से गर्मी की बात कर ही रहा था और रास्ते में निकला, रास्ते में देखो एक शरबत मिला है मंदिर के जस्ट बाजू में, अच्छा लगा। मतलब गर्मी के मौसम में ये सब मतलब दिया जाए ना, काफ़ी बढ़िया है। जितने लोग रास्ते से गुजर रहे हैं उनको मतलब रुका रुका के दिया जा रहा है। तो हाँ जी, वहाँ से आम पानी पीने के बाद मैं यहाँ रुका हूँ एक ब्रिज के नीचे। धूप यार बहुत ज़्यादा है, सोचा यहाँ कम से कम 5 से 7 मिनट रेस्ट करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से मोटो ब्लॉगिंग शुरू करेंगे और पहुँचेंगे अपने फाइनल लोकेशन पर। भाई देवी, आप लोग टीका देख कर बताओ, टीका कैसा लग रहा है? हाँ जी, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ब्लॉगिंग की, मोटो ब्लॉग टाइप का, ताकि आप लोगों को थोड़ा सिटी भी देखने को मिले। तो ये है भाई साहब अपना पचपेरीना का रोड जाने के लिए, तेलीबंदा टू पचपेरीना का के तरफ। और इस तरह अगर आपको लेफ़्ट या राइट मुड़ना होना तो आगे पीछे देखना उचित होता है, क्योंकि ऐसे में गाड़ी आ सकता है सडनली, फिर नुकसान हो जाता है। तो ये गाइस फाइनली अपन अब पहुंच चुके पचपेरीना का चौक पे। ये जो चौक देख रहे हो पचपेरीना का चौक कहलाता है ये, और यहीं से अपन मुड़ेंगे लेफ़्ट। तो हम गाइस पहुँच चुके अपने फाइनल लोकेशन पर। ये रहा वो रेस्टोरेंट जिसका नाम है श्री राजहंस राजस्थानी थाली। चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। सब जितने लोग थाली ऑर्डर करते हैं ना, उनका पार्सल रेडी हो रहा है। तो हाँ जी, आते साथ मैं अपना ऑर्डर दे चुका था अनलिमिटेड थाली, जो कि मात्र 100 रुपीज़ का है और मतलब 5 मिनट हो रहे होंगे अपना जो थाली है रेडी होके आ चुका है। आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई साहब, ये है मात्र 100 रुपीज़ का और ये लगभग सभी चीज़ अनलिमिटेड ही रहता है। एक जो मीठा आपको मिल रहा है ना, ये बस लिमिटेड है, एक पीस मिलेगा इसमें। सर और कुछ लिमिटेड है क्या? अनलिमिटेड, सब अनलिमिटेड है। एक बस ये मीठा को हटा दे तो ये सब पूरा अपना अनलिमिटेड हो गया ना। तो भाई साहब आप लोग इमेजिन करो, और इतना सारा फूड आपको मिलने वाला है, जितना खा सकते हो उतना खाओ, लेकिन थाली में छोड़ना नहीं क्योंकि फूड बर्बाद नहीं करना है ना। और इसके बाद ऊपर से आ गया भाई साहब ये कुरकुरे बोल सकते हो, पापड़ तिलौड़ी कुछ लोग बोलते हैं। अब एक एक आइटम आप लोगों को बता दे रहे हो क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो भाई साहब सैलेड देखो, और अपना ये रोटी आ गया, ये अनलिमिटेड है, इसके साथ चावल भी आएगा ना, चावल आ जाएगा। ये क्या क्या है एक बार आप बता देंगे? ये अपना दाल हो गया ना, जीरा तर का दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये अपना सब्जी हो गया। ये रोज चेंजेस होता है कि एक ही बनता है? डेली चेंज होता है। आज ये काहे का बनाए हैं? आज लौकी है क्या? गिरवी लौकी है। अच्छा, आज लौकी का बना है। ये अपना गाय का सब्जी हो गया, आलू मटर का सब्जी, ये डेली बनता है? नहीं, फिक्स है ये, मतलब फिक्स है, ये चेंज होते रहता है। ये हो गया अपना पनीर सब्जी है। तो भाई साहब 100 रुपये में आपको पनीर देखने को मिलेगा, अभी बता दूँ अनलिमिटेड, ये अपना फिक्स है, कभी भी आओ ये मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। ये आ गया अपना रायता, ये लिमिटेड है शायद मेरे ख्याल से, ये भी अनलिमिटेड है, 2-3 बार 4 बार कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बहुत ही बढ़िया। मैं रिव्यू में देखा था, रिव्यू में किसी ने ये लिखा हुआ था कि जो यहाँ का रायता है वो लिमिटेड है, लेकिन जो यहाँ के भैया है जो मतलब ऑनर भी है वो बता रहे कि रायता भी अनलिमिटेड है। अब आ रहे हो तो यार दिल खोल के खाओ ना, दिक्कत ही क्या है। बाकी ये अपना एक चटनी आ गया ना, और एक भाई साहब आ गया अपना गर्मा गर्म राइस। इसको आप लोग को प्लेट में निकाल के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए। और इसमें अंदाज़ा क्या लगाना यार, घटेगा तो आप दोबारा मांग सकते हो। ये आपको थंबनेल के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि थंबनेल मेरा प्रॉपर आ जाए। तो ये आप देख सकते हो, एक इधर पड़ा है सैलेड, ये पूरा आइटम मात्र 100 का और वो भी सब पूरा अनलिमिटेड। तो चलो फटाफट ट्राई करते हैं, अदरवाइज फूड ठंडा हो जाएगा, और ट्राई करके आप लोगों को टेस्ट भी बताते हैं। ऑलरेडी तो चलो फटाफट फूड ट्राई कर लेते हैं, थंबनेल लेने के चक्कर में 5 मिनट में डिले कर दिया हूँ। तो सबसे पहले तो सैलेड में दिखा दूँ, सैलेड में जो मिला है ये अपना गाजर मिला है, साथ में अपना प्याज, और उसके बाद ऊपर से भाई साहब धनिया, और ये हो गया टमाटर। तो जो सैलेड मिले हैं ना ये भी मतलब प्रॉपर है। रोज यही सलाद बनता है कि चेंजेस भी होते रहते हैं? चेंजेस
जैसा कस्टमर की डिमांड होती है वैसा, जैसा कस्टमर डिमांड वैसा सलाद बनते रहता है। कस्टमर नहीं बनाते हैं ऐसे कटिंग। अच्छा, तो सब जो सलाद है ना सब ऑप्शनल है, आप जैसा मांगोगे वैसा मिल जाएगा। नीचे वैसा दिखा दूँ, खीरा भी है और ये भी अपना अनलिमिटेड है ना। हाँ, ये भी अनलिमिटेड है, बहुत बढ़िया। ये हो गया अपना दाल, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये वैसे कौन सा दाल है अपना आज? रेड दाल। कौन सा? रेड दाल है। रहर दाल। अच्छा, डेली यही बनता है क्या? डेली यही बनता है। तो दाल भी आपको भाई साहब प्रॉपर मिलेगा, इसका थिकनेस दिखा दूँ, एकदम बढ़िया है, गाढ़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी पानी है, बिल्कुल नहीं, एकदम आप लोगों को दिख रहा होगा गाढ़ा है। ये हो गया एक सब्ज़ी, जो कि जब भी आओगे तो हो सकता है आपको चेंजेस मिले। आज बना है लौकी का, बढ़िया। और ये है कि अपना आलू मटर, जो कि फिक्स है, कभी भी आओगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी में अभी तक मेरे को एक्स्ट्रा मसाला नहीं लगा है, जैसे प्रॉपर होता है खाना वैसी है। ये वैसे पनीर जो कि मेरा फेवरेट है, हो सकता है आज भी दो तीन कटोरी में खाऊं यहाँ। आहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट। और ग्रेवी है ना भाई साहब, बहुत ही लाजवाब लग रहा है, थिकनेस काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत ही बढ़िया। और ये सब अनलिमिटेड है तो आपको सोचना नहीं है, दो बार लो, तीन बार लो या चार बार लो, आपके ऊपर है। ये फाइनली यहाँ का रायता, बढ़िया है, रिफ्रेशिंग है। तो रोटी में भाई साहब आप लोगों को बटर लगा के मिलेगा, सादा रोटी भी नहीं, बटर उस पर लगे रहेगा, थोड़ा सा लगे रहता है, बटर लगे रहता है। जैसे डिमांड होते हैं वैसा लगा। अच्छा, कस्टमर डिमांड करते और ज़्यादा लाओ तो और ज़्यादा लगा देंगे। हाँ, सादा खाने वाले, सादा बटर खाने वाले। तो सर पनीर ला दीजिए ना। तो जैसे आप लोग रिश्तेदारों के घर जाते हो ना और पूछ पूछे खाना खिलाया जाता है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ है, जो घट रहा है मांगो और दबा के खाओ। मेरी दाल है, चावल बस लग रहे हैं, चावल है। हाँ जी भाई साहब, जो हमारा आज का फूड था पूरा फिनिश कर चुका हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, जो भी दाल में था, सब्जी में था, सबको लगभग लगभग ख़त्म कर दिया। ये रायता लिया था दो बार, थोड़ा सा बचा है, अभी इसको पीऊँगा थोड़ी देर में। पनीर मैंने लगभग तीन से चार बार पनीर लिया था, बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ का पनीर का स्वाद, उसको तो भाई साहब मेरा फेवरेट भी है, इसलिए मैंने तीन से चार कटोरी पनीर आराम से खा चुका हूँ। लास्ट में हमारा जो फाइनल आइटम बचता है, एक है अपना गुलाब जामुन। आप लोग को इसका भी रिव्यू देते, वैसे इसका रिव्यू देने क्या है ज़रा, खाने के बाद मीठा तो अच्छा लगता ही है। बहुत ही बढ़िया। तो हाँ जी, मुझे तो जो खाना है बहुत बढ़िया लगा। अभी यहाँ कुछ कुछ कस्टमर आके खाना खा रहे हैं, आप लोगों को उनसे रिव्यू लेके आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दे रहा हूँ कि उनको कैसा लगा। ले कई सालों से खा रहा हूँ, 2010 से मैं जब मैं स्टूडेंट जी मैं जब स्टूडेंट था तब से खा रहा हूँ। अच्छा, इनका दुकान पहले सदर में था, अभी यहाँ पर है, और इस रेट में और ऐसा जो टेस्ट ये देते हैं वो पूरे रायपुर में मेरे को देखने को नहीं मिलता। मैं जी जी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, घर जैसा स्वाद है। तो देखो, जितने भी लोग यहाँ खाना खाने के लिए आए ना, सबका मतलब आत्मा तृप्त हो जा रहा है। कुल मिला के यार 100 में अनलिमिटेड खाना मिलना मतलब इम्पॉसिबल है रायपुर में ना, जितना मन करे उतना खा सकते हो। बाकी आप लोगों को टाइमिंग बता दूँ कब से कब टाइमिंग यहाँ ओपन आता है। यहाँ का टाइम सुबह 11 बजे से 4 बजे तक लंच का टाइम है। हाँ। और शाम को 7 बजे से 10:30-11 तक डिनर का टाइम। डिनर का टाइम डिनर नहीं, संडे को छुट्टी नहीं रहता, होली दीपावली में छुट्टी रहता है 4 दिन बस। पार्सल मंगाना, पार्सल होम डिलीवरी हम लोग नहीं करते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो जोमेटो स्विगी से। जोमेटो और स्विगी की सुविधा है, और बाकी ऑफलाइन आप यहाँ आके ले सकते हो, डाइनिंग कर सकते हो और ले जा सकते हो। तो कुल मिलाया गाइज, यहाँ जिनको जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन मंगाना है वो मंगा सकते हैं, बाकी किसी को पार्सल लेना है तो यहाँ से भी आगे पार्सल करा सकते हो, जैसे कि देखो एक भैया लेके जा भी रहे हैं। एंड गाइज, यहाँ का लोकेशन बता दूँ, अपने पचपरीना का जो मेन रोड है, जो पचपरीना का चौक है, उससे जस्ट मान लो कि 300-400 मीटर आप लोग धमतरी की तरफ बढ़ोगे ना तो ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। बाकी यहाँ का जो गूगल मैप का लिंक होगा ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करना, आप कहीं भी होगे तो मैप आपको बता देगा कि ये जो राजस्थानी थाली है यहाँ कैसे पहुँचना है, कितना दूरी है और कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर करना। तो आई होप कि आप लोग को ये जो नया लोकेशन दिखाया बढ़िया लगा हो, बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को। बाकी बाहर अगेन धूप कड़कती धूप है, तो वीडियो का ही एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।